और सतोरिया मंडल के समस्त कांग्रेस के जाबाज शानदार जानदार कार्यकर्तागण, हमारी महिला कांग्रेस की सभी बहनें, हमारे मंच पर बैठे समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित समस्त लोग, चूंकि बात है न्याय की, साथियों मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ नया लेके आती है, उनका सिर्फ काम है लोगों को फंसाने का। जैसे कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, हमें लेकिन जाल में नहीं फंसना है। जब इनने विधानसभा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, तो कई वादे किए, जैसे कि किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम 2700 रुपए गेहूं खरीदी के देंगे और 3100 रुपए धान खरीदी के दिए थे, लेकिन ये वादा पूरा कहाँ किया है? साथियों आप जानते हैं, मैं इन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि बहनों, आपको लिए इनने बरगलाया विधानसभा चुनाव में, इनने कहा था कि हम 1200 की जगह हम 3000 रुपए की राशि देंगे, लेकिन आज भी महिलाओं को 3000 की राशि नहीं मिल रही है। उनने युवाओं से भी कहा था कि हम बहुत सारे रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं कहाँ है, दर दर भटक रहा है। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये शिकारी हैं, जब जब चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी लिस्टें होती हैं इनकी वादे की, लेकिन ये अपना वादा करने में कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि इन्हें आपने इनको देख लिया, 25 साल हो गए कि नहीं? इन 25 सालों में सिर्फ आपको झूठे वादे किए इस भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप बिजली के बिल देख लीजिए, हम बिजली के तारों में करंट नहीं लगता जितना बिजली का बिल में करंट लग जाता है कि नहीं साथियों? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम करती है, भाई को भाइयों से लड़ाने का काम करती है। साहब जब चुनाव आते हैं, जब इनको हिंदू मुसलमान आते हैं, बहने याद आ जाती हैं, भाई याद आ जाते हैं, किसान याद आ जाते हैं, लेकिन ये 4.5 साल उनकी कभी भी सुध नहीं लेते हैं। मैं पुराने प्रत्याशी की भी बात करना चाहती हूँ साथियों, कि इतने बार आपने 25 सालों से सागर से लोकसभा प्रत्याशी आपने जिताया है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनाया, लेकिन अभी तक आपके सामने नहीं आए होंगे, नहीं आए ना? अभी तक एक भी बिना विधानसभा में उनका 1 रुपए का भी पत्थर नहीं गड़ा होगा, ये विकास की बात करते हैं। मैं आप आदरणीय हमारे सागर लोकसभा प्रत्याशी की भी बात करना चाहती हूँ कि भैया चंद्रभूषण बुंदेला जी कोई बाहर के नहीं है, इस बुंदेलखंड माटी के ही जन्मे सपूत है। आपने एक कविता सुनी होगी झांसी की रानी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी बलरानी, वह तो झांसी वाली वानी थी। ये बुंदेले वो ही बुंदेला है जिसने इस देश को आजाद करने के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दी, जो इस देश की आजादी करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है। आज उस माटी के, उस बुंदेल परिवार के ही एक बेटे हैं बुंदेला जी, तो हमें उनका, हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें जिताना है, क्योंकि जिसने भी देश को आजाद किया है, आज हम स्वस्थ छवि और स्वच्छ सांस ले रहे हैं तो सिर्फ देश आजाद की वजह से। तो ऐसे माटी के सपूत को हमारे जिताने की जिम्मेदारी है। मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहती हूँ साथियों, कि कांग्रेस ने हर बार जो भी वादे किए, किसानों से किए, युवाओं से किए, महिलाओं से किए, व्यापारियों से किए, वो वादा अपना निभाया है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ घोषणावीर नहीं है, घोषणावीर तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने कई वादे आज भी किए हैं, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये किया है कि महिलाओं के लिए, एक गरीब महिलाओं के लिए 8,500 रुपए की राशि प्रतिमाह देंगे, ये कांग्रेस का वादा है। उन्होंने युवाओं के लिए भी कहा कि 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां निकालेंगे 30 लाख युवाओं को। किसानों के लिए बोला है कि MSP का दान देंगे। उन्होंने वो ये बोला है कि आप यदि किसी भी आंदोलन करते हैं, कोई झूठे भी केस आप पर लगते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में बैठे ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों पर झूठे केस लगाए, तो किसानों ने, कांग्रेस ने ये कहा है कि यदि किसानों पर किसी भी प्रकार का झूठा केस लगता है तो वो सारे केस माफ किए जाएंगे और आपके बिजली के बिल भी माफ किए जाएंगे, बैंकों से लिया हुआ कर्ज भी माफ होगा। 15 महीने की सरकार में आपने देखा था कि बैंकों के कर्ज माफ हुए थे। आदरणीय साथी, बस समझने की बात है कि कौन शिकारी है और कौन अपना है। ये शिकारी है, आपको शिकार खेल जाएंगे और आपकी वोटें ले जाएंगे, लेकिन 4.5 साल सिर्फ आपको आईना दिखाएंगे और आएंगे भी नहीं। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है,
कि बस सोच समझ कर आने वाली 7 तारीख को अपन को चंद्रभूषण वंदेला जी को भारी से भारी मतों से जिताना है। और एक बात और भी करना है साथियों, क्योंकि आपके परिवार की सदस्य हूँ, आपने मुझे 25 साल के इस गढ़ को तोड़कर विधायक बनाया है और मैंने आपको मतदाता या कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं माना, मैंने आपको अपना परिवार का सदस्य माना है। मैंने आदरणीय कुणाल चौधरी जी से वादा कर दिया है कि हमारा कांग्रेस का बीना में जितने भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, हमारा बीना का एक एक मतदाता खुद गुड्डू राजा बनकर चुनाव लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं, हाथ ऊपर करो भाई। तो अपन को जरूरत नहीं है कि भैया आप आए कि हमारे पास के नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा है। हमने तो उनसे कह दे ही है कि भैया बीना छोड़ देना, क्योंकि बीना का एक एक व्यक्ति चंद्रभूषण बुंदेला बनकर लोगों के बीच जाएगा और उनसे बात करेगा और यही आपको जिताएगा। सही कहा कि नहीं? तो आप लोग से विनम्र प्रार्थना है, आपकी ये बहन आपसे प्रार्थना करती है कि आप भारी से भारी मतों से चंद्रभूषण बुंदेला जी को जिताएं और कांग्रेस को विजय बनाएं। जय हिंद।